जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज जहांगीरपुर कस्बे में हैं और जहांगीरपुर कस्बे में किसान कृषि यंत्र है और मेरे साथ मोहम्मद फजल जी हैं जो जनरेटर्स के बारे में आपको आज पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि काफ़ी सस्ते जो जनरेटर हैं जहांगीरपुर में यहीं मिलते हैं। ये एकमात्र ऐसी दुकान है जहांगीरपुर की जहाँ पर भरोसेमंद भी और सस्ते जनरेटर मिलते हैं, काफ़ी क्वालिटी के जनरेटर हैं और बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ बहुत सारी जगह से लोग यहाँ पर जनरेटर खरीदने आते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनरेटर मार्केट जहांगीरपुर में ही है, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है और जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पर कई तरह के जनरेटर हैं, छोटे से लेकर बड़ा जनरेटर सब हर तरह के मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि बहुत सारे जनरेटर्स के बारे में आप जानकारी ले सकें। जैसे हम ये जनरेटर देख रहे हैं, ये कितने किलोवाट का है, क्या क्या इसकी कंडीशन है और कितने रुपये में मिल सकता है? ये 15 KV का है, एस्कोट। अच्छा, एस्कोट का है? एस्कोट का नए मॉडल वाला है जी, 2011 मॉडल है ये जी। इसकी कीमत 75,000 रुपये की है। 75,000 रुपये है इसकी इस समय। अच्छा, तो सबसे छोटा जनरेटर कितना है आपके पास, सबसे बड़ा? हमारे के जनरेटर मिलेगा 10 KV से स्टार्ट होता है, 125 KV तक मिलता है। 10 KV से 125 KV तक, हाँ। ठीक है। और ये पीछे वाला? ये लीलैंड है। लीलैंड 4 हॉर्स पावर में, 4 सिलेंडर इंजन होता है, 4 सिलेंडर इंजन, 30 KV में। अशोका लीलैंड। कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत 1.10। एक दस, ये फिक्स है रेट या कम बढ़ती है कुछ? नहीं, कम बढ़ती भी होता है, 1,000-2,000 रुपये का कम बढ़ती भी हो जाते हैं। वैसे गारंटी वारंटी क्या होती है इनकी? 1 साल की गारंटी होती है, लोड ट्राई मिलता है, यहाँ से वाटर लोड चेक होकर मिलेगा, इंजन सील्ड होते हैं। अच्छा, टावर का माल होता है। और अगर कमी आ जाए तो? कमी आ जाएगी, पास का होएगा जनरेटर तो मिस्त्री पहुँचेगा, दूर होएगा तो वहाँ जनरेटर लाना पड़ेगा वहाँ। और ये कितने का है, 3 सिलेंडर वाला? 3 सिलेंडर 15 KV का है जी। कीमत क्या समझे इसकी? ये महिंद्रा है 265, इसकी कीमत 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में? 80,000 रुपये। तो ये ऊपर जो नीला कलर दिख रहा है, ये कंपनी का ही है, करा हुआ है? कंपनी कलर होता है, नीला कंपनी कलर का ही कंपनी। तो गारंटी वारंटी इसकी वही रहेगी? 1 साल। और ये तो काफी बड़ा सा दिख रहा है ना? हाँ, ये महिंद्रा, ये भी, ये ब्लैक इंजन है, ये 11 मॉडल है। दोनों बराबर है, 3 सिलेंडर दिख रहा है शायद, तो बराबर के ऊंचे मॉडल का है। मॉडल कितना है इसका? 11। कीमत? इसकी कीमत है 85,000। 85,000। अच्छा, जैसे कोई यहाँ से मान लो बिहार मंगाया, छत्तीसगढ़ मंगाया, तो उसके तो जो डिलीवरी चार्ज है वो तो अलग से लगता है? नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट से होएगा, ट्रांसपोर्ट पर पहुँचाएंगे, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होएगा कस्टमर को देना। चाहे कोई अपना लिया या फिर आपसे ले लिया? हाँ। और ये पीछे वाला कितने का? ये एस्कॉर्ट है, ये जो अभी दिखाया था आपको, 75,000 रुपये कीमत है इसकी। अच्छा, तो ये 2 सिलेंडर में शायद? 2 सिलेंडर जी। महिंद्रा 4 सिलेंडर। अच्छा, ये महिंद्रा 4 सिलेंडर? हाँ, ये बड़ा है, 30 KV का। मतलब केवी कैसे पहचान होगा इनकी? अल्टरनेटर पे होती है केवी। अच्छा, अल्टरनेटर केवी के हिसाब से होगा। तो 4 सिलेंडर वाला कितने का बता रहे थे? 4 सिलेंडर पड़ता है 1,35,000 रुपये का। मॉडल क्या बताया इसका? 2009 मॉडल। 2009। अच्छा, और ये पावर ट्रक एस्कॉर्ट, इसकी कीमत 85,000 रुपये। तो ये तो कुछ ज़्यादा पुराना सा लग रहा है उसके हिसाब से। हाँ, वो ऊंचा मॉडल है। ये कितना मॉडल है इसका? मॉडल 7। 7 मॉडल। तो जैसे इस तरह से मतलब आपको मिले होंगे ये, तो इसमें कुछ मेंटेनेंस वगैरह तो करा होगा ना? नहीं, मेंटेनेंस तो उसमें होता है, जो खुला बंदा इंजन आता है, ये इंजन आता है जो टावर से सील्ड इंजन आता है, बिल्कुल इसमें कोई काम नहीं होता। यहाँ खाली लोड चेक करते हैं कस्टमर के लिए, लोड चेक करके जब मिलेगा जनरेटर। और जैसे मान लो कोई ले जाए यहाँ से चेक करेगा, घर पे जाते हैं उसे दिखा भी तो बेकार आगा तो फिर? ना ना, कोई शिकायत कैसी भी नहीं आएगी। वो हमारे यहाँ जो लोड चेक होकर मिलेगा वो जनरेटर में फिर दिक्कत नहीं आती, और जिसका लोड चेक नहीं हुआ तो दिक्कत आती है। अच्छा, नाम क्या है आपकी इस गोदाम का? किसान कृषि यंत्र ट्रेडर्स के नाम से ही। अच्छा, किसान कृषि यंत्र जो भी है, कब से है आपका यहाँ पर काम? ये हमारा काम तो दादा लाई है, वैसे जो जनरेटरों का डलाए गए 20 साल हो चुकी है जनरेटर का। हाँ, पहले ये लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? संपर्क ये है कि मोबाइल नंबर से होता है। मोबाइल नंबर होता है 8954061415। तो व्हाट्सएप भी है इस पर या? हाँ, व्हाट्सएप भी होएगा इस पर। बाय द वे, कॉलिंग पर जवाब ना मिले तो व्हाट्सएप कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, कॉलिंग पे होएगा जब तुरंत होएगा। बाकी ये है 10 बजे से 12 बजे तक बात हो सकती है, शाम के टाइम कोई बात नहीं होगी, नहीं रात में हो सकती। 10 से 12 मतलब? मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक। मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब 2 घंटे बाद? 2 घंटे बस, फिर अपने काम में लग जाते हैं। हाँ।
और ये कितने का है, इसकी कीमत क्या? ये आइसर है 2 सिलेंडर जी। कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत 75,000 रुपये। अच्छा, आइसर की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में या औरों की डिमांड ज़्यादा है? नहीं, डिमांड तो महिंद्रा, आइसर, एस्कोर्ट, ये तीनों चल रही है, बाकी अपनी अपनी पसंद है, जो चला लेगा वही अच्छा है जनरेटर। तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता ना होती? ये एयर कूल्ड होता है, ज़्यादातर आइसर ही देखें एयर कूल्ड। हाँ, आइसर ही होता है एयर कूल्ड, एक किर्लोस्कर होता है H2। अच्छा अच्छा, और ये पीछे वाला भी सेम है? ये भी सेम ही है, इसकी भी कीमत सेम है। मॉडल क्या बताया था इसका? मॉडल इसके 9 मॉडल है, 2009 मॉडल। अच्छा, इनोवर बता दो, अभी बड़ा सा लग रहा है। हाँ, ये बड़ा है, ये लीलैंड है, हिनो। अच्छा, 40 kV का इस पर अल्टरनेटर लगा हुआ है, लीलैंड है ये, 4 सिलेंडर। हाँ जी, तो कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत 1,10,000 रुपये। मॉडल क्या होगा इसका? मॉडल होता है इसका 2010 मॉडल, 11 मॉडल। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े जो जनरेटर आपके पास कहाँ से आते होंगे? बाहर से आता है, बहुत बहुत दूर से माल आता है, चेन्नई, रांची, बिहार, बहुत बहुत दूर से माल। मतलब वहाँ से जो निकला है वो ना आप ले आओ, लगाकर ठीक करके, या फिर जैसे है, अगर कंडीशन अच्छी है तो ऐसे ऑक्शन का माल होता है, ये ठीक माल आता है बिल्कुल। और ये वाला, ये कितने का? ये सुधीर है, 40 kV, टाटा सुधीर। कीमत क्या है इसकी? कीमत 1,75,000 रुपये की। तो सुधीर की कीमत ज़्यादा होती है या इनकी दूसरी? मतलब ये असेंबल हुआ सेट है, ये कंपनी पीस है, ये टावर का है, वो असेंबल हो गया, मतलब पार्ट्स जोड़ जोड़ के बनाया है, वो इंजन अलग होता है, अल्टरनेटर अलग होता है, वो बनाया जाता है असेंबल हो गया। ये सेम टू सेम है, ये कंपनी पीस है। और ये कौन सा? ये टाटा 407 है, ये भी असेंबल हुआ है। तो कीमत क्या समझो इसकी? टाटा 407 की 75,000 रुपये कीमत है। अच्छा, असेंबल वाला ज़्यादा भरोसेमंद होता है वैसा? जो नहीं, कंपनी की लाइफ अलग होती है, कंपनी का ज़्यादा चलता है, ये तो मॉडल भी नीचे होते हैं, ये तो बनाए जाते हैं खाली, बाकी काम करते हैं, दो दो तीन तीन साल चल जाते हैं बढ़िया। अच्छा, इसकी कीमत भी कम होती है। इनकी पता कैसे पड़ा कि कितने घंटे चले हुए हैं? जो टावर का माल होएगा वो 1,000-1,200 घंटे चलू हुआ होएगा। अच्छा। और जो असेंबल माल होएगा वो बन हुआ होएगा, उसका मॉडल भी नीचा होएगा। अच्छा, और ये कितने का? ये आईसर है 30 kV। आईसर 30 kV? हाँ, ये टावर का है, ये कंपनी पीस है जी। कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत 1,15। और कितने उसमें ये सिलेंडर में? 3 सिलेंडर होता है, 59 horsepower होता है इसका इंजन। अच्छा अच्छा, 59 horsepower। हाँ, और ये पीछे वाला भी सेम है? ये सेम है, दोनों एक ही कीमत है दोनों की। इससे पीछे वाला? इसकी अलग कीमत है, ये इंजन सील्ड है, ये इंजनों में काम हो चुका है, खुल चुके इंजन। हाँ। ये इंजन सील्ड है, इसकी कीमत 1,35,000 रुपये की। वैसे तो है 3 सिलेंडर ही? 3 सिलेंडर। हॉर्स पावर 59। kV कितने बता रहे? 30 kV। 30 kV किर्लोस्कर की इसकी मोटर है जी। जी जी। अच्छा, तो इतना बड़ा जो जनरेटर है ये किस काम आता होगा? मतलब नहीं, काम तो ये होता है, समर वगैरह है, फैक्ट्री का लोड है, मोटर वगैरह जिसकी कंपनी है, कंपनियों का लोड है, सब चीज़ पे काम आता है जी। और ये पीछे वाला, ये छोटा है, ये तो वही है, सेम आइसर है, 2 सिलेंडर 15 kV जो आपको पहले दिखाया गया था। अच्छा अच्छा, तो कीमत भी सेम होगी? सेम 75,000 रुपये। और ये आप मुख्य, ये कौन सा? महिंद्रा 4 सिलेंडर। 30 kV जी। अल्टरनेटर 2012 मॉडल है, किर्लोस्कर की मोटर लगी हुई इस पर जी। जी, कीमत क्या होगी इसकी? इसकी कीमत 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये। और ये वाला? ये किर्लोस्कर है, RV3 जी। अच्छा, RV3 क्या हुआ है? ये किर्लोस्कर का नाम है, इसका RV3 इंजन का नाम। अच्छा, ये किर्लोस्कर को, किर्लोस्कर ही होता है, किर्लोस्कर ही अल्टरनेटर होता है, किर्लोस्कर ही इंजन होता है, RV3 बोलते हैं इसको। इसकी कीमत 1,35,000 रुपये की है, कंपनी फिटिंग होता है, कंपनी से सील्ड आता है। मॉडल कितना था? मॉडल इसका 10-11 मॉडल होएगा। 10-11। दो पीस हैं, दोनों रेट सेम है जी। जी, और ये पीछे वाला, ये कौन सा? ये सुधीर है, जो आपको अभी दिखाया गया था। अच्छा, सुधीर भी बहुत देखने को मिले हैं जगह जगह। हाँ। तो सुधीर में मतलब जो भरोसा ज़्यादा पब्लिक को है क्या? सुधीर अच्छी कंपनी है, फिर मार्केट है इसका, नया पीस 8 लाख रुपये का है, और जो हमारे यहाँ है कि अब 1.5 लाख रुपये कीमत है इसकी। मतलब इसी की कीमत 8 लाख की है कंपनी से? हाँ, कंपनी से नया लोगे 8 लाख रुपये कीमत है इसकी। बड़ा सस्ता होगा तो पुराना होने के बाद? नहीं, ये ऑक्शन का माल होता है, ये चलता भी जाया जाता है, 1,000-1,200 घंटे चलू वो सेट है ये। तो अभी तो बहुत चलेगा ना ये? अभी चलेगा ये 10 साल कम से कम। 10 साल अगर किसी का बहुत ज़्यादा लोड ना आ तो। हाँ, टाइम सर्विस में तो ये होता है, मोबिल ऑयल चेंज होता है, और मोबिल ऑयल चेंज होने के बाद कूलेंट डलती है रेडर में, बस ये होती है सर्विस। और ये कौन सा है? ये आइसर है, ये आइसर कंपनी ओरिजिनल पेंट पर है, ये सील्ड इंजन है।
ये इंजन खुले नहीं है, ये 400 घंटे चलो हुए। इसमें 3 इंजन है हमारे पास जो कंपनी सील्ड है। अच्छा, कुल 400 घंटे? 400 घंटे तो अभी तो बहुत चलेगा। अभी चलेगा ये कम से कम मान के चलो 8 साल। कितनी कीमत है इसकी? इसकी कीमत 90,000 रुपये की। इस पर पहिए होंगे, टंकी लघु भी होगी, पूरा कम्प्लीट सेट दिया जाएगा। और ये पीछे वाला सेम है? ये सेम है, तीनों चार जनरेटर है, सेम जनरेटर है चारों। ये तीन और एक वो वाला, ये तीन होगा, एक ये वाला होगा, ये चार हैं। ये कंप्लीट मिलेंगे बिल्कुल सब चीज़ से। जी जी। अच्छा, जो जो लोग लेने आते हैं जनरेटर्स को दूर दराज, यहाँ कस्टमर को पूरी तसल्ली देंगे, पूरे संतुष्ट करके जब भेजते हैं। अच्छा, और ये कितने का? ये एस्कॉर्ट है 15 KV। इसकी कीमत कम है कि इंजन खुल चुका है, इसकी कीमत हो गई 65,000 रुपये। इसमें काम हो चुका हमारे यहाँ, जो कंपनी सील्ड आएगा उसकी कीमत बढ़ू भी होगी, इस पर 15,000 रुपये ओवर होएंगे। जो कंपनी सील्ड होएगा जिसका काम कर दिया थोड़ी उसकी 15,000 रुपये घट जाते हैं, जिस पर पेंट हो चुका जनरेटर पर उस पर 10,000 रुपये घट जाते हैं, जो कंपनी पेंट ओरिजिनल होएगा उस पर 10,000 रुपये बढ़ू भी होंगे। और ये कैसा पेंट? ये महिंद्रा है, ओरिजिनल पेंट पर 80,000 रुपये की कीमत है इसकी। कितने KV में? 15 KV का। और शायद 3 सिलेंडर में? 3 सिलेंडर महिंद्रा। मॉडल क्या? मॉडल 2009 मॉडल। तो ज़्यादातर 2009-2011 इस तरह के मॉडल ही दिख रहे हैं। तो नई कीमत कितनी समझो इसकी? नई कीमत इसकी मान के चलो 2,40,000 रुपये का ओपन है, कैनोपी में 3,40,000 रुपये की है। तो नई के हिसाब से 1,300 सस्ता मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, आधे से भी आधा मिलता है। नहीं मिलेगा, पूरी ऑल इंडिया कस्टमर घूमेगा, जब भी सस्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो जहांगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें, गौतम बुद्ध नगर में लगता है, नोएडा जिला है इसका। ये आने के लिए तो इसका जेवर एयरपोर्ट आइए, आने उस जेवर एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर जहांगीरपुर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक जहांगीरपुरी है, तो लोग काफ़ी समझते हैं कि जहांगीरपुरी दिल्ली पहुंच जाते हैं जहांगीरपुर समझ के, तो ये जहांगीरपुर है, जहांगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक है, और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी मार्केट जनरेटर्स की है वो जहांगीरपुर में ही है। तो और बहुत सारे जनरेटर मैं अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको, कुछ दिखा चुका हूं और बहुत सारे भी दिखाऊंगा अभी। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। जब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।